हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई का, या आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से करोगे। तो जैसा आप लोग पता है कि बेटा हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चला था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल, इसे करते हम लोग बेटा पॉलीनोमियल का फैक्टर यहाँ पर करना सीख रहे थे। तो ये बेटा इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज कर देना, क्वेश्चन देखना, अगर आपको डाउट्स होगा तो वीडियो देखना, वरना आप आगे अपना बढ़ जाना, अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ना। क्या हो जाएगा बेटा, तो इसमें हम अपने टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर नंबर हम यहाँ पर फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर डाल लेंगे। तो कह रहा है वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा हूँ कि हाँ, दो ऐसे दो क्वेश्चन मैंने इसके पिक किए हैं, आपको दिखाना। क्वेश्चन में कह रहा है आप वेरीफाई करो, जांच करो, किसी बात जांच करो कि क्या x बराबर 2 अपान का रूट 3 और माइनस का 2 अपान का रूट 3, ये क्या जाएंगे, क्या इसके जीरोज हैं या जीरोज नहीं है। तो वो इतना पता है, अगर जीरोज होंगे तो x बराबर, जैसे क्या जाएगा, पहले ही बात करते हैं, यहाँ पर है हमको fx दे रखा है, यहाँ पर है 3x² माइनस का 2, ये बेटा हमको पॉलीनोमियल यहाँ पर दे रखा है। अब कह रहा है तुमको बताना है x बराबर 2 अपान का रूट 3 और माइनस का 2 अपान का रूट 3, क्या ये इसके जीरोस हैं। भाई देखो, अगर जीरोस होंगे तब x की वैल्यू जब 2 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे fx में, तो पूरा fx की वैल्यू पूरी आपकी जीरो यहां पर आनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे, अगर जीरो आएगी तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर होंगे, जीरोस होंगे, रूट इसके होंगे, अन्यथा इसके रूट्स नहीं होंगे। भाई देखो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, लिखेंगे वेरीफाई वेरीफाई ऑन इस पर एक्स बराबर 2 अपॉन का रूट 3 इन किसमें, fx में। जब चेक करोगे तो क्या जाएगा, एफ जहाँ x लिखा हुआ था 2 अपान का, ये आपका रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, अब बड़ा ध्यान देना, अब x fx में अगर हमने x इक्वल क्या पुट किया है 2 अपान रूट 3, बेटा यहाँ पर भी x आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू एक्स लिखा कितना जाएगा 2 अपान का रूट 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया गया है और माइनस का आपका 2 आ जाएगा, 2 लिखा भैया आपका है ना, इसको 2 ही मानना, क्या जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, कट कर लो, ये आपका बेटा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ध्यान देना, f 2 अपान का रूट 3 क्या जाएगा, f 2 अपान का रूट 3, बेटा कितनी वैल्यू यहाँ पे आई है, 2 आपकी आई है, क्या 0 आपका आया है, 0 हमारा नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल 2 अपान का रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स का जीरो नहीं होगा। ऐसे हमको चेक करना है, एक्स इक्वल माइनस का 2 अपॉन रूट 3 चेक करना है। तो ये बेटा पहला वाला इसका समझ में आ जाएगा, इसके जीरो यहाँ पर ये नहीं होंगे, हमने जांच यहाँ पर करके दिखा दिया है। अब कह रहा है सेकंड की बात करेंगे, तो अब बेटा हमको इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना किस पे करना है, वेरीफाई ऑन एक्स बराबर माइनस का 2 अपॉन का रूट 3 इन एफ एक्स में हमको यहाँ पर चेक करना है। जब चेक करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, यहाँ देखा जाएगा एफ जहाँ एक्स लिखा वहाँ का माइनस का 2 अपान का रूट 3 लिखा जाएगा, उधर भी आ जाएगा 3 आपका ऐसे लिखा जाएगा, इंटू एक्स वर्ग ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपान का रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 आपका आ जाएगा, बेटा 3 आप ऐसे लिखा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, माइनस का 2 ये 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कितना जाएगा, ये भी आपका 2 बेटा जाएगा। f माइनस 2 अपान का रूट 3 की वैल्यू कितनी हमें आ जाएगी, f x की वैल्यू पुट करने पर ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल माइनस का 2 अपान का रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ f x, क्या आ जाएगा, ये सही नहीं आ जाएगा। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन बात यहाँ पर करेंगे, सेकंड में क्या कह रहा है, फर्स्ट का बेटा आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए, मैंने कैसे यहाँ पर उत्तर की जाँच यहाँ पर करी है कि इसका जीरो यहाँ पर है या जीरो नहीं है। अब देखो सेकंड की बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन का कह रहा है एफ एक्स हमको यहाँ दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6 हमको दे रखा है। अब कह रहा है हमको किस पे वेरीफाई करना है, x इक्वल हमको दे रखा है 1, 2, 3, वो तीनों बेटा यहाँ पर चेक करना है। भाई देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरीफाई ऑन किस पे, x इक्वल 1, बेटा 1 पे जब चेक करेंगे तो सीन से क्या हो जाएगा, देखो इधर तो जब चेक करो किस पे, इन एफ एक्स
से करोगे क्या जाएगा, जहां बेटा एफ एक्स ये लिखा गया आपका एफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6 आ जाएगा। इसमें चेक करोगे x इक्वल 1 पे जब चेक करोगे तो क्या जाएगा बेटा, ये f1 आपका लिखा जाएगा ऐसे। अब जहां जाएगा वहां वहां आपका 1 पूरा आ जाएगा, तो 1 का क्यूब माइनस का 6x² मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 11 माइनस 6 आ जाएगा। तो बेटा 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा, ये 6 लिखा आपका जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो f1 आपका ऐसे लिखा रहेगा, देखोगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 6 भाई 1 का स्क्वायर 1 आपका हो जाएगा प्लस का 11 माइनस का 6 भाई देखो 11 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, ये बेटा जीरो आपका यहाँ पर आ रहा है। तो बेटा अब देखो f हमने एफ एक्स में एक्स के लिए 1 पुट करी तो जीरो दिखा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स इक्वल 1 इज अ जीरो ऑफ द एफ एक्स, क्या हो जाएगा ये एफ एक्स का जीरो आपका यहाँ पर एफ एक्स का हो जाएगा। ऐसे हम 2 और 3 पर चेक करेंगे ऐसे भाई, सिंपल से भाई सिंपल सी मेथड बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आपका दिया गया, इसमें खिचपिच नहीं करना रहेगा आपको। हम चेक करेंगे x इक्वल कितना चेक करेंगे, यहाँ पर x इक्वल 2 पे चेक करोगे एफ एक्स बेटा f में हम x लिखा 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का x क्यूब तो 2 का क्यूब आपका यहाँ जाएगा माइनस का 6x² मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 11 एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी माइनस से सब आ जाएगा भाई 2 को कितना आ जाएगा, ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 × 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा प्लस का 11 × 2 = 22 आ जाएगा माइनस से आपका यहाँ पर आ जाएगा 22 और 8 कितना बेटा आ जाएगा, ये आपका 30 यहाँ पे आ जाएगा। ये हम लोग F2 पे चेक कर रहे हैं तो F2 आपका ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा बेटा। ये देखो 4 6 = 24 और माइनस 6 माइनस का 30 कितना आ जाएगा, ये आपका कट के पूरा पूरा जीरो आ जाएगा। तो क्या बोलोगे सर F2 पर आपका जो एफ एक्स था पूरा पूरा जीरो आपका आ रहा, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू इज अ जीरो ऑफ इस पर जाएगा एफ एक्स का जीरो हो जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर एक आपका पूरा पूरा ये हो जाएगा। अब देखो बेटा आगे कहानी बात करते हैं, हमको 3 पे चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इतना पार्ट खाली रफ करेंगे, बाकी जो लिखा उसको पूरा पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा। एक्स जगह हमें कितना पुट करेंगे, इसमें 3 पुट करेंगे, आपका 3 आ जाएगा। तो जब इतने बड़ा 3 पुट क्यों यहाँ पर हो तो क्या आ जाएगा, देखो इधर F3 पे चेक करना हमको, एक्स आपका F3 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब आपका आ जाएगा माइनस 6x² मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 11x जगह आपका 3 आ जाएगा, ये आपका एक्स 11 3 लिखा जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। अब बड़ा ध्यान दो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना आपका 27 आपका आ जाएगा, तो ये आपका F3 ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। तो 6 बेटा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। देन देखो कभी कभी क्या होता है, माइंड में जो चल रहा होता है ना वो एक स्टेप आगे चलते हैं, वो वही भी स्टेप कभी कभी बोल देते हैं, तो उसको टेंशन मत लिया करो। 3 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 9 और 9 6 का कितना जाएगा, ये आपका 54 आ जाएगा प्लस कितना जाएगा, ये 33 आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो ध्यान देना इनको और इसको ऐड कर लो तो कितना जाएगा 27 और 33 कितना जाएगा, तो 7 में 3 ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा 10 का 0 कैरी आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। यहाँ देना माइनस का 54 प्लस ए माइनस का 6 आ जाएगा माइनस का 60 ए भी आ जाएगा, ये आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या जाएगा ये F3 आ जाएगा, F3 आपका 0 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे x इक्वल 3 ठीक है इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा एक्स बराबर 1 2 3 पुट करेंगे तो आपका एफ एक्स वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम लोग क्या जानेंगे कि ये क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे, इसके जीरोज यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अपने अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, हैं आपको फर्स्ट वाला दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आप देखो इधर भी मैंने सेकंड क्वेश्चन लास्ट में कहा था कि आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था कि इसको आप आगे करेंगे। इस वाले वीडियो में भाई जो लोग को समझ में नहीं आया होगा वहां पर, वैसे जो लोग बहुत बिजी पर्सन होते हैं जो मैंने आपको हिंट दिया था उससे नहीं किया होगा, तो इसमें पूरा आपका यहाँ पर क्लियर पूरा पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कह रहा फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल, भाई इसको हमको रूट्स यहाँ है जीरोज यहाँ पे इसके फाइंड करने हैं, तुमको एफ एक्स यहाँ दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस का 6x² प्लस का 11x प्लस का 6 आपका आ जाएगा। भाई देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कभी भी हमको ऐसे अगर दे रखा हो क्यूबिक फॉर्म में दे रखा हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, रिमाइंडर थ्योरम ऐसे इसको यहाँ बोलते हैं, क्या बोलेंगे देखो इधर
क्या जाएगा, सिक्स का हम लोग यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ सिक्स, तो सिक्स फैक्टर क्या जाएंगे भाई, टू इंटू थ्री इंटू वन आ जाएगा भाई, इतने इसके फैक्टर यहाँ पे मिलेंगे। अब ध्यान देना, तो एक्स तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे द पॉसिबल रूट्स ऑफ पी एक्स, अब पी एक्स मतलब एक्स के रूट, पॉसिबल रूट्स ऑफ पी एक्स लिख लो यहाँ पर, पी एक्स या एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो एक्स हम पुट कर सकते हैं माइनस का वन प्लस का वन, माइनस का टू प्लस का टू, माइनस का थ्री प्लस का थ्री। इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, अब हमको इतनी छः वैल्यूज पर इस पर चेक करना रहेगा एफ एक्स की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी। तो पहले चेक करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, एट एक्स बराबर माइनस वन इन एफ एक्स, भाई चेक करोगे तो क्या आ जाएगा एफ, ये आपका माइनस का वन ऐसे लिखा रहेगा, अब जहाँ जहाँ एक्स आपका वहाँ आपका माइनस का वन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक आ जाएगा वन का माइनस वन का क्यूब आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स मतलब माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का इलेवन एक्स आपका माइनस का वन आ जाएगा, प्लस का सिक्स आ जाएगा बेटा, वन का क्यूब माइनस का वन रहेगा, ये देखो वन का माइनस वन कैसे करोगे तो आपका वन आ जाएगा और प्लस का सिक्स ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का इलेवन आपका आ जाएगा प्लस का सिक्स आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, इनको इधर ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा ये आपका सिक्स यहाँ पे आ जाएगा ठीक, और माइनस इलेवन माइनस वन माइनस का सिक्स सिक्स ट्वेल्व आपका आ जाएगा, माइनस का इलेवन माइनस वन माइनस का ट्वेल्व आ जाएगा, इक्वल आपका जीरो आ रहा है तो माइनस का वन इतना आपका आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एक्स इक्वल माइनस वन इज अ रूट्स ऑफ एफ एक्स, आपका पहला रूट यहाँ मिल जाएगा। ध्यान देना कितने रूट से आपके जीरोज मिलेंगे भाई, पावर तीन है तो आपके तीन यहाँ पर मिलेंगे, पहला हमको मिल गया है, पहला क्या मिल गया है ये माइनस का, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे ही चेक करेंगे, ऐसे हम बड़ा ऐसे ही चेक करते चले जाओ यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग प्लस का वन पे चेक करेंगे, तो प्लस का वन पे तो नहीं आने वाला है, हम लोग माइनस का टू पे चेक करते हैं, क्या पता माइनस के टू पर यहाँ पर आ जाए। देखो इधर क्या जाएगा, इधर लिखेंगे एट एक्स बराबर माइनस का टू रखने पर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर तो एफ टू पे चेक करेंगे इन एफ एक्स में चेक करना है और ये हमको पॉलीनोमियल में चेक करना है, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का टू यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना बेटा एक्स क्यूब, टू का क्यूब कितना आ जाएगा माइनस टू का क्यूब आ जाएगा, ठीक आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर कितना आपका आ जाएगा, तो सिक्स कितना आ जाएगा माइनस का टू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का इलेवन एक्स क्यूली माइनस टू आ जाएगा प्लस का सिक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका माइनस का एट यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा दो दुनी चार, चार आपका चार आ जाएगा, चार छंग चौबीस, तो प्लस का चौबीस आपका आ जाएगा, क्यों बेटा माइनस टू का जब स्क्वायर करोगे आपका प्लस का फोर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इतना जाएगा ये बेटा माइनस का ट्वेंटी टू आ जाएगा, इलेवन टू जो ट्वेंटी टू आ जाएगा प्लस का सिक्स यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो इनको ऐड करते हैं बेटा, प्लस का कितना आ जाएगा ये आपका सेम क्वेश्चन यहाँ पर आप मिले, तो बेटा क्या जाएगा देखो सर प्लस का 24 और प्लस का ये 6 कितना जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा और माइनस का 22 माइनस का 8 माइनस का 30 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, तो x कितना जाएगा माइनस का, तो ये पूरा कट जाएगा बेटा आपका जीरो आ जाएगा, तो क्या लिखोगे f माइनस का 2 की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है। हम लोग क्या बोलेंगे x इक्वल माइनस का 2 इज अ रूट ऑफ एफ एक्स का ये रूट आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर तो हमको दूसरा रूट क्या मिल जाएगा माइनस का टू मिल जाएगा। अब देखो इधर अब हम बात करते हैं किसकी, ऐसे बेटा प्लस के टू पर तो आपका आने वाला है, जब माइनस का टू आ गया तो प्लस के टू पर आपका नहीं आएगा। अब बेटा इसे माइनस के थ्री पर चेक कर लेते हैं, हम चेक करेंगे एट एक्स बराबर माइनस का थ्री चेक करेंगे यहाँ पर, क्या जाएगा एट x इक्वल माइनस का थ्री आपका बेटा, जब इसको जब चेक करोगे क्या जाएगा f x लिखा माइनस थ्री पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या जाएगा x क्यूब मतलब माइनस थ्री का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक आ जाएगा प्लस का सिक्स एक्स लिखा जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी क्या जाएगा इलेवन ये आपका माइनस का टू आ जाएगा प्लस का सिक्स, सॉरी माइनस का थ्री आएगा ना, इतना आ जाएगा भाई, देखो
थ्री का क्यूब क्यूब कितना जाएगा, 27 आपका आ जाएगा। इनका देखो -3 का स्क्वायर कितना आपका आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, और 9 कितना जाएगा ये बेटा आपका माइनस आपका यहाँ पर लगा रहेगा, 9 6 जाए 54 आपका आ जाएगा। यहाँ देखो ये कितना जाएगा, माइनस का 33 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। बेटा इनका इनका ऐड करो कितना जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा और प्लस का ये 60 आ जाएगा, कट कर लो, 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो एफ माइनस का 3 आपका 0 आ रहा है, तो क्या बोलोगे सर भाई? देखो एफ माइनस 3 आपका यहाँ पर 0 सॉल्व करने पर आ रहा है, तो क्या बोलोगे, एक्स इक्वल माइनस 3 इज अ रूट ऑफ माइनस का 3 आ जाएगा। तो बट तीन वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएंगे, ध्यान देना पावर क्यूब है, तो क्यूब में आपके थ्री थ्री रूट से आपके जीरो यहाँ पर निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे द इंटीग्रल, इंटीग्रल ना इंटीग्रल वही रूट्स इंटीजर वाले, इंटीग्रल रूट्स ऑफ एफ एक्स कितना जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। भाई देखो इसके रूट्स यहाँ पर ये थे, आपके रूट्स यहाँ पर इतने आज आपके आ जाएंगे। दोस्तों मैं ऐसे ऐसे मतलब बेटा ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, जब आपसे बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द एफ एक्स आपको दे रखा होगा, तो ऐसे आप 6 का फैक्टर कर लोगे, 6 7 2 × 3 × 1, बेटा सब पे वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी। मैंने माइनस पे चेक करी थी, माइनस पे आपको यहाँ पर आ गया है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते दोस्तों यहाँ पर करते हैं, उसको यहाँ से क्वेश्चन को रफ करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 का कह रहा है क्वेश्चन, देखो बेटा कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो आपका ये कहा जाएगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड थर्ड वगैरह कह रहा है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि हमको रिमाइंडर बेटा हमको आर एक्स यहाँ पर निकालना है, हमसे रिमाइंडर यहाँ पर पूछा गया है। अब यह रिमाइंडर फाइंड करो कब, जब क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा है पी एक्स हमको दे रखा है यहाँ पर है, दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। दूसरा हमको पॉलिनोमियल दे रखा है gx, हम gx मान लेंगे x माइनस का 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर px को gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताओ। भाई ये कहानी क्या हो जाएगी, देखो इधर इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो भाई, तरीका नंबर 1 प्रॉपर डिवाइड कर लो, तरीका नंबर 2 रिमाइंडर थ्योरम का यूज यहाँ पर करके कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग Using remainder theorem, using remainder theorem, इससे आसान थोड़ा हो जाएगा। अब remainder theorem कहती है, भाई देखो मेरी बात सुनो, gx की वैल्यू तुमको दे रखी है, x माइनस का 1 दे रखी है, तो gx कितना जाएगा, x माइनस का 1, तो gx इक्वल 0 जब करोगे, x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा आपकी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स क्या जाएगा भाई, कैसे आएगा देखो, इधर आपने जीएक्स को 0 मान लिया, तो क्या जाएगा, एक्स माइनस का 1 इक्वल आपका 0 आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, एक्स इक्वल 1 पी एक्स में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एट एक्स बराबर 1 इन पी एक्स, पी एक्स मानो मिले, हम लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर पी 1 ऐसे आपका जाएगा, तो एक्स क्यूब कितना जाएगा, 1 की पावर 4, पावर 4 लिखा गया तो 1 का इतना जाएगा, फिर माइनस का 3 3 एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 2x बना जाएगा, प्लस का आपका बेटा यहाँ बना जाएगा। अब ध्यान देना सर, 1 की पावर 4 1 आपका आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 और ये 2 1 3 आपका 4 आ जाएगा, 4 माइनस का 3 इक्वल आपका 1 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, तो ये जो पी 1 क्या जाएगा, अच्छे दिखते हैं यहाँ पर, समझो सर क्या जाएगा, अरे पी 1 आ जाएगा, ये आपका पी 1 आ जाएगा, ध्यान देना। तो पी 1 पर एफ एक्स वैल्यू कितनी पूरी आपकी आई है, आपकी 1 यहाँ आ जाएगी, तो जो आपका बेटा 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका यहाँ पर ये आपका रिमाइंडर बोला जाएगा। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पे आ जाएगी, आपकी
वन, ये बेटा आपका रिमाइंडर यहाँ पर ये आ जाएगा। ऐसे क्या जो बेटा रिमेनिंग बचता है उसी को हमने यहाँ रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। बेटा क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात यहाँ पर करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया है। ये आपको कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर बेटा पॉलीनोमियल एफ एक्स जैसे बोले रखा है, सही है ठीक। 4x³ प्लस का 4x² माइनस का x माइनस का 1 आपका हो जाएगा। तुमको दिखाना है कि जो आपका ये एफ एक्स है किसका मल्टीपल है, ये सेकेंड इसको हम 2x+1 को हम जी से लेंगे, तो 2x+1 का एक मल्टीपल है। और सर क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया भाई, देखो जैसे 2 लिखा आपका है, 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4, 6, 8, 10 आपका हो जाएगा। ध्यान देना, अगर 10 2 का मल्टीपल है इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, और आपका रिमाइंडर इस केस में रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। सेम केस यहाँ लगाएंगे क्या हो जाएगा, अगर ये क्या बोल रहे हैं 4x³ प्लस का 4x² माइनस का x माइनस का 1, ये बेटा अगर gx का एक मल्टीपल है क्या हो जाएगा कि gx को एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि बेटा जी एक्स बराबर क्या रखोगे, जी एक्स इक्वल आगे क्या है 0 ले लोगे, तो एक्स ये 2x+1 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगा। बेटा ये जो एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2 है, जब इस वैल्यू को आप एफ एक्स में पुट करोगे तो क्या आना चाहिए, एफ एक्स में जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका 0 के इक्वल पूरा पूरा आना चाहिए। हम लोग चेक करेंगे यहाँ, तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे एट एक्स बराबर माइनस का 1/2 इन एफ एक्स, एफ एक्स में हम x बराबर 1/2 यहाँ पुट करेंगे। बेटा एफ एक्स हम लोग पूरा पूरा प्रॉपर यहाँ पर लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 4x³ प्लस का 4x² माइनस का x माइनस का 1 आपका आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ रफ कर दे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, तो ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर आप लोग लगाओगे तो f कितना आपका आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 हम लोग यहाँ x वैल्यू पुट करेंगे, तो जब 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा जहाँ x है वहाँ माइनस का 1/2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 4x माइनस का 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, कि माइनस का x तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और माइनस का 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेटा 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का 1 रहेगा, और ध्यान देना 2 का क्यूब आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। प्लस ये बेटा माइनस 1 का स्क्वायर आपका प्लस आपका हो जाएगा, तो 4 × 1/4 ये पूरा पूरा कट जाएगा। बेटा ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस का 1 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो ये आपका f माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा f माइनस का 1/2 या कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना बेटा यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का 1/2 बचेगा, ये प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, भाई माइनस प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, 1 का 1 कट जाएगा, 0 बेटा आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, अब देखो अब यहाँ इसी में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि एट एक्स इक्वल माइनस का 1/2 एफ माइनस 1/2 कितना पूरा आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। अच्छा ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि 2x+1 इज अ रूट ऑफ या फैक्टर ऑफ या जीरोज ऑफ क्या हो जाएगा, इसका इसका पूरा क्या हो जाएगा, इसका या इसका मल्टीपल होगा, तभी तो इक्वल यहाँ पे आपको 0 दे रखा है। भाई देखो यहाँ देखो, हमने 10 को जब 2 से डिवाइड किया था तो 5 ये आपका रिमाइंडर 0 तब आएगा, ये रिमाइंडर 0 आया इट मीन्स कि भाई यहाँ 0 आया है, यहाँ पर भी आपका 0 ही पूरा पूरा यहाँ पर, ये देखो 0 पूरा यहाँ पूरा आ रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि 10 जो है ना 2 का मल्टीपल है, तभी तो आपका 0 यहाँ पर दे रहा है। सेम केस पूरा यहाँ बेटा लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको फोर समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। इसमें थोड़ा तबीयत गले में थोड़ा सा ज्यादा क्लास ज्यादा हो जाती है, बोलना ज्यादा पड़ता है, तो जुकाम सही नहीं हो रहा है और रेस्ट करने का तो टाइम मिलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम बेटा यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अब बेटा इस बात का क्या कह रहा है, इफ द पॉलीनोमियल ax³ प्लस का 4x² हमको एक पॉलीनोमियल px यहाँ दे रखा है, ये कितना हमको दे रखा है ax³ प्लस 4x² प्लस का 3x माइनस का 4, ये पहला पॉलीनोमियल है, और दूसरे को हम क्या मान लेंगे बेटा f मान लो, f क्या हो जाएगा सेकंड पॉलीनोमियल का हो जाएगा
एक्स क्यूब माइनस का 4x प्लस का a, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इफ द पॉलिनोमियल फलान फलान, हमको ये आपका f हो जाएगा, ये आपका gx यहाँ पे हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक, px हो जाएगा, दोनों पॉलिनोमियल ठीक है लीव सेम रिमाइंडर, दोनों पॉलिनोमियल सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं किस पे, व्हेन, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको तुम यहाँ क्या मान सकते हो, इसको तुम जीएक्स ले लो, एक्स माइनस का 3। अब कह रहे हैं कि इन दो पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल सेम रिमाइंडर देते हैं जब हम व्हेन क्या करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो दोनों के रिमाइंडर सेम आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करो। अब मेरी बात सुनो, कह रहे हैं कि भाई पी एक्स को जब जी एक्स से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, आता है आर वन। ठीक, कह रहे हैं एफ एक्स को, समझ लो क्वेश्चन क्या रहेगा, कह रहे हैं फिर एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर मान लो अगर आर टू आता है, तो कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आर वन बराबर का आर टू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो कह रहा है ए की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। तो भाई देखो, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे और सीन क्या हो जाएगा देखो, लिखेंगे यूजिंग यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। भाई ये जो हम कर रहे हैं यही पूरी आपकी रिमाइंडर थ्योरम पूरी पूरी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एट एक्स बराबर, भाई देखो हमको जी एक्स वैल्यू यहाँ दे रखी है, बोले जी एक्स लिखेंगे, हमको जी एक्स दे रखा है, जी एक्स वैल्यू माइनस एक्स माइनस 3 आ जाएगा, क्या लिखोगे, जी एक्स इक्वल जब 0 करोगे हमको इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर, 3 आ जाएगी। अब क्या लिखोगे, एट एक्स बराबर 3 इन, इस पे आ जाएगा इन पी एक्स, बेटा पी एक्स पर हम एक्स इक्वल 3 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एफ एक्स कितना जाएगा, एफ 3 कितना यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना जहां जहां एफ एक्स है वहां हम 3 पुट करेंगे, ए आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 एक्स कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कितना यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 3, और एक्स कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, और माइनस का 4 आपका आ जाएगा। भाई देखो ये कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, तो 27 ए आपका आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर 9, और 9 फोर जा कितना जाएगा, 36 आपका आ जाएगा, प्लस 3 9 आपका आ जाएगा, और माइनस का फोर आपका ऐसे लिखा रहेगा। भाई देखो 36, ये 36 9 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 45 आ जाएगा, 45 और माइनस 4 कितना जाएगा आपका, ये तो 27 ए प्लस का 45 माइनस का 4 41 आपका आ जाएगा। बेटा ये आपका रिमाइंडर आर वन यहाँ पे आ जाएगा, पी थ्री जो आपका निकला है ये आपका रिमाइंडर आर वन आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या पुट करेंगे, एट एक्स बराबर 3 इन एफ एक्स, क्यों भाई, ये दोनों को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो रिमाइंडर फर्स्ट निकाल चुके हैं, ऐसे में क्या लिखेंगे, एफ एक्स पे चेक करोगे, एफ बराबर जब 3 पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, बेटा 3 का क्यूब यहाँ लिखा जाएगा, माइनस का 4 आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके यहाँ पर 3 आ जाएगी। फिर देखना ए आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, कितना बड़ा है ए, ये 3 का क्यूब कितना 27 आपका आ जाएगा, 27 माइनस 4 ये 12 आपका आ जाएगा, प्लस का ए आ जाएगा। ध्यान देना ये आपका जो एफ 3 निकलेगा यहाँ पर, एफ 3 कितना जाएगा देखो इधर, एफ 3 कितना जाएगा भाई देखो, 27 माइनस का 12 करोगे तो ये कितना आपको बचेगा यहाँ पर, आपका 15 बचेगा, 15 प्लस का ए आपका आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा, ये हमारा आर 2 निकला यहाँ पर है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में कह रहा है R1 R2 आपस में इक्वल दे रखा है, तो हम लोग इस बेटा यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप लोग की परमिशन हो, क्या जाएगा, R1 इक्वल आपका यहाँ पे R2 दे रखा है, तो R1 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे आपकी आई है, 27 A प्लस का 41 आ जाएगा, इक्वल R2 कितना आपका आया है, 15 प्लस का A आपका आया है। अब बेटा मेरी बात सुनो, ये भाई साहब जाएंगे उस साइड, कितना जाएगा 27A माइनस का आपका ए आ जाएगा, इक्वल कितना जाएगा ये आपका यहाँ पर, ऐसे पूरा पूरा आपका यहाँ पर लिखा जाएगा।
बेटा क्या आ जाएगा, अब दिखा देना सर, 41 आपका आ जाएगा, दूसरी तो आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, ये आपका 26 बचेगा यहाँ पे आपका, ये 26 ए आ जाएगा। अब ध्यान देना इसको जब माइनस करोगे तो ये कितना पूरा आपका आ जाएगा, 41 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा, तो 40 में से 41 में से 26 बचेगा यहाँ पे आपका, वो भी माइनस का 26 बचेगा भाई, माइनस करके यहाँ पर देख लो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो कितना जाएगा माइनस का 26 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, माइनस का 26 अपान का 26 कट कर लो, ए की वैल्यू बेटा पूरी आपकी माइनस का 1 वैल्यू पूरी आपकी ए की यहाँ पर आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी माइनस का 1 यहाँ पर ये आ जाएगी। तो क्या करते हैं इसको हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, मैंने तो समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों हैं। भाई देखो ऐसे आपको यहाँ पूरा पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा, बस पूरी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसको हम रख करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात यहाँ पर करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर बड़ा 6 कह रहा है, 6 का कह रहा है लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर। ठीक, हमको R1 R2 रिमाइंडर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। When the polynomial, तुमको polynomial दे रखा है तो इसको हम px value को दे रखे हैं यहाँ पर, px polynomial हम इसको मान लेंगे, क्या जाएगा x cube plus का 2x square minus का 5ax और क्या जाएगा minus का 7 हमको दे रखा है, और second polynomial का हो जाएगा इसको हम fx मान लेंगे, तो क्या जाएगा ये आपका जाएगा x cube plus का ax square minus का 12x प्लस का 6 आपका आ जाएगा, ये आपका 6 आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 6 आपका आ जाएगा। फिर दो पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं, तो भाई देखो क्या कह रहा है, x प्लस 1 और x माइनस का 2 आपका हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, gx लिख लेंगे, लिख लेंगे gx, तो कितना आपका आ जाएगा x प्लस का 1 आपका आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, और इसको जी वन लिख लो, इसको जी टू लिख लो, डिवाइड का ही साइन लगा दो ना, समझ में अच्छे से आ जाएगा आपके, एक्स प्लस एक्स माइनस का 2 आपका लिखा है। और ध्यान देना इसके बाद कह रहा है, संबंध कह रहा है, पहले मैं सवाल पूरा यहाँ पर शॉर्ट में सवाल लिख के आपको पूरा पूरा बताऊंगा, 2R1 प्लस का R2 इक्वल 6 दे रखा हो, तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, देख क्वेश्चन को पहले अपनी लैंग्वेज में लिख कर करने में ज्यादा मजा आता, कह रहा क्वेश्चन कह रहा था कि px पॉलिनोमियल को g1x से डिवाइड करते हैं और इसको fx पॉलिनोमियल को g2x से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या मिलता है हमको, इससे क्या मिल जाएगा, इससे हमको रिमाइंडर मिलता है R1 और इससे हमको रिमाइंडर मिल जाएगा R2 मिलता है रिमाइंडर है, ध्यान देना, और हमको दोनों रिमाइंडर का रिलेशनशिप हमको यहाँ दे रखा है कि 2R1 प्लस का R2 इक्वल हमको इसी से रखा है, कह रहा है कि px को g1x से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा R1 मिलेगा रिमाइंडर, ठीक, कह रहे हैं fx को g2x से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर R2 मिलता है, हमको दोनों रिमाइंडर का संबंध हमको यहाँ दे रखा है, हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी वैल्यू है, पहले हम डिवाइड करेंगे, इट मींस क्या लिखेंगे हम लोग, भाई देखो फर्स्ट केस की हम लोग बात यहाँ करेंगे, फर्स्ट केस में आपके आ जाएगा, लिखोगे g1x की वैल्यू कितनी आपको यहाँ दे रखी है, x प्लस का 1 दे रखी है, तो g1x इक्वल जब 0 होगा तो x प्लस का 1 इक्वल आपका 0 हो जाएगा, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का 1 आ जाएगी। अब ध्यान देना x इक्वल माइनस वन हम px में पुट करेंगे तो लिखेंगे एट x इक्वल माइनस का 1 इन किस पे px पे चेक करोगे तो क्या जाएगा p, ये आपका माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, p माइनस का 1 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा क्योंकि x वैल्यू मैंने माइनस 1 यहाँ पुट कर दी, अब तो x क्यूब आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, अब जहाँ जहाँ बेटा x होगा वहाँ वहाँ हम माइनस 1 पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 5 ए एक्स की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 7 आपका आ जाएगा,
अब देखो माइनस वन को क्यूब क्यूब करोगे तो माइनस का वन आपका आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो वन का माइनस वन का स्क्वायर आप वन हो जाएगा, और तो आपका इंटू टू आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, प्लस का फाइव पे माइनस का सेवन आपका यहाँ जाएगा। पी वन एक्स ये क्या जाएगा, ये आपका पी वन कैसे यहाँ लिखा जाएगा, बेटा ध्यान देना इधर क्या हो जाएगा इधर, ये देखो इधर माइनस का सेवन माइनस का वन माइनस का एट, माइनस का एट और प्लस का टू कितना जाएगा, माइनस का सिक्स आपका जाएगा, और ये फाइव ए। बेटा जी ये हमको पहला रिमाइंडर आर वन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर वन। अगर आप लोग की परमिशन हो तो हम यहाँ पर आर वन की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना जाएगा फाइव ए माइनस का सिक्स आ जाएगा। अब इसको हम लोग पूरा यहाँ से रफ करते हैं, सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर है, सेकंड में क्या हो जाएगा एफ एक्स वाले की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, सेकंड बात क्या हो जाएगा देखो, सेकंड क्या हो जाएगा बड़ा, सेकंड में जी टू एक्स की बात करेंगे, जी टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्स माइनस का टू हमको दे रखा है, ध्यान देना जी टू एक्स में तो कैसे आ जाएगा, जी टू एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स माइनस का टू इक्वल आपका बेटा जीरो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी टू आ जाएगी। अब ध्यान देना जब डिवाइड किया गया तो एक्स की वैल्यू इससे पूरी पूरी हम फिल करेंगे, देखेंगे एट एक्स इक्वल टू इन एफ एक्स, अब बेटा क्या जाएगा इसमें हम भाई जब एफ एक्स को जी टू एक्स से डिवाइड करोगे तो जी टू एक्स की वैल्यू एफ एक्स में पुट करोगे ना, इतना पुट जाएगा तो क्या जाएगा, अब ध्यान क्या यहाँ क्या जाएगा, इतना पुट करेंगे तो क्या जाएगा, अरे बेटा एफ टू जब चेक करोगे तो जहां जहां बेटा एफ एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां आपका टू हो जाएगा पूरा पूरा, एक्स क्यूब मतलब टू का क्यूब आ जाएगा, प्लस का ए एक्स स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का ट्वेल्व इंटू ए की जगह आपका जहां एक्स वहां आपका टू आ जाएगा, प्लस का सिक्स आपका लिखा जाएगा ऐसे, टू का क्यूब कितना जाएगा ये आपका एट आ जाएगा, प्लस टू का स्क्वायर फोर आपका आ जाएगा, तो फोर ए आपका आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का सिक्स आपका आ जाएगा, तो भाई कितना आ जाएगा देखो इधर, ये कितना जाएगा देखो एट और सिक्स कितना जाएगा आपका, ये फोर ए आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, प्लस आठ छः चौदह आ जाएगा, और प्लस का 14 माइनस का 24, तो ये कितना चलेगा ये आपका देखो इधर, ये इधर आपका एफ टू आ जाएगा, ये आपका एफ टू लिखा जाएगा, तो एफ टू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, भाई इनको सॉल्व कर लो, तो ये माइनस का टेन आपका यहाँ जाएगा, तो क्या जाएगा फोर ए माइनस का टेन आपका आ जाएगा, ये हमको आर टू मिल जाएगा, ये हमको सेकेंड रिमाइंडर मिल जाएगा, तो आर टू की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पे आ गई है, ये आपकी आ गई है फोर ए माइनस का टेन, ये बेटा आर वन आर टू मिल जाएगा आपका। अब इसको रफ करते हैं, अब संबंध की बात करते हैं भाई, रिलेशन में जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमको ए की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, बेटा इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं भाई, देखो जगह कम है तो ऐसे ही क्वेश्चन को बताया जाएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। अब क्या जाएगा देखो बेटा हमको जो गिवन दे रखा है रिलेशन क्या जाएगा, टू आर वन प्लस का आर टू इक्वल सिक्स दे रखा है, टू आप कैसे लिखा जाएगा, आर वन की वैल्यू कितनी जाएगी फाइव ए माइनस सिक्स आ जाएगा, प्लस आर टू कितना जाएगा फोर ए माइनस टेन आर सिक्स आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना इधर क्या जाए बेटा, इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये कितना जाएगा टेन ए माइनस का ट्वेल्व प्लस का फोर ए माइनस टेन आपका जाएगा, ये आपका सिक्स ऐसे लिखा रहेगा आपका, बेटा फोर ए कितना जाएगा ये आपका फोर्टीन ए आ जाएगा, फोर्टीन ए आपका यहाँ पर ही आ जाएगा, ये कितने बेटा आपका जाएगा माइनस का दस, ये माइनस का बारह माइनस दस माइनस का बाईस आपका माइनस का ट्वेंटी टू प्लस का सिक्स आपका जाएगा, ये फोर्टीन ए इक्वल बेटा माइनस का ट्वेंटी टू जब जाएगा लेफ्ट साइड तो क्या जाएगा, माइनस का ट्वेंटी टू जब जाएगा राइट साइड तो आ जाएगा प्लस, ये प्लस का आ जाएगा प्लस का सिक्स कितना, ये आपका ट्वेंटी एट आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी एट अपन का फोर्टीन कट कर लो, तो ये तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी, बेटा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। दोस्तों मैं करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके, वो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, भाई पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेट तो रहना ही चाहता हूँ, हालांकि अंदर से मोटिवेशन हमेशा रहता है लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा बाहर से देख दो पढ़ाओ मेहनत करो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लेट देखिए दोस्तों, जय हिंद।